सावरकर जी का जो जो पूरी उनकी कहानी है उसका अध्ययन करने के बाद जो मैंने उनकी जिंदगी जीने की और पर्दे पे दर्शाने की कोशिश की है उसके अंदर मेरी इन्वॉल्वमेंट इसमें बहुत हो गई है। अगर आप देखें ये भी एग्जांपल है कि ऐसी एक रस्तरी मिलती थी जिसमें इतना पानी होता था, आप इसी में खाओ, इसी में सब कुछ करो, और कुछ नहीं था, एक सिर्फ कंबल मिलता था। कल भी सावरकर की बर्थ एनिवर्सरी है, आज आप सेलुलर जेल विजिट कर रहे हैं और कल आपको अवार्ड भी मिला जी, कितना ऑनर्ड फील करते हैं आप? देखिए सावरकर जी का जो जो पूरी उनकी कहानी है उसका अध्ययन करने के बाद जो मैंने उनकी जिंदगी जीने की और पर्दे पे दर्शाने की कोशिश की है उसके अंदर मेरी इन्वॉल्वमेंट इसमें बहुत हो गई है। और जब वो लोग जो कि स्वातंत्र वीर सावरकर जी को जानते थे, उनकी फैमिली और जो उनसे जिनकी जैसे मंगेशकर फैमिली हुई जो उनको असली में जानते थे और जो उनकी एसेंस समझते हैं, उनके बारे में जानते हैं, उनसे जब एक पैट ऑन द बैक मिलता है कि आपने बहुत अच्छी तरह से दर्शाया, बहुत सच्चाई से दर्शाया और बहुत दम से दर्शाया तो बहुत अच्छा लगता है। बिकॉज वो वैलिडेशन बहुत ही कम लोगों को मिलती है। अक्सर आप जब बायोपिक्स वगैरह बनाते हैं तो उनके जो निजी लोग होते हैं वो बोलते हैं कि अरे आपने ये नहीं दिखाया, वो नहीं दिखाया, पर मैंने 3 घंटे में उनकी पूरी जिंदगी, 53 साल की जिंदगी जो पूरी इनकैप्सुलेट करने की कोशिश की है, तो उनकी तरफ से जब अवार्ड मिलता है तो वैलिडेशन है। और ये यहां पे आज हम सेलुलर जेल में आए हैं जहां पे विनायक जी को 50 साल की उम्र कैद हुई थी, 2 उम्र कैद मिली थी। वो अकेले ही एक ऐसे कैदी थे या कॉन्विक्ट थे जिनको ऐसे अंग्रेजों ने दिया, तो आप समझ सकते हैं कि वो अंग्रेज उनको कितना डेंजरस मानते थे, क्योंकि वो ना ही सिर्फ उनके जो खुद किया और बाकी जब उनके जो इन्फ्लुएंसर का जो उनके थॉट्स थे वो बहुत लोगों को बहुत इन्फ्लुएंस करते थे। तो जितने भी सशस्त्र क्रांति वाले लोग होते थे वो उनको देश से दूर आइसोलेशन में रखते थे। और ये वो जगह है, ये कैदियों ने ही बनाई थी। पहले कैदी वाइपर आइलैंड पे रहते थे, वहां से उनको यहां पे लेके आए और फिर उन्होंने ये जेल बनाई। और 1906 में मेरे ख्याल से ये जेल शुरू हुई थी और विनायक जी यहां पे 1911 में आए थे। और इसके पहले 7 विंग होते थे, अब सिर्फ 3 बचे हैं। 2 जापानीज ने अपने बंकर्स के लिए तोड़ दी और जो 2 वहां पे जो उस वक्त गवर्नमेंट थी वो इस जेल को तोड़ना चाहती थी वो, तो यहां पे जो कैदी थे उनके बच्चे हर साल आते थे तो उन्होंने इसको बिल्कुल इसका नामो निशान मिटने से बचाया। तो ये बहुत ही एक दर्दनाक जगह है। मैंने भी स्क्रिप्ट एक कमरे में बैठ के लिखी थी पर जब मैं यहां पे आया तो मैं भी भौचक्का रह गया कि इसको कैसे मैं कैप्चर करूंगा, कैसे इसकी एसेंस दिखाऊंगा। तो मैं काफी समय यहां बिता के गया रेकी पे और फिर आके हमने यहां शूटिंग की। और बहुत ही दर्दनाक फेज है और भगवान करे किसी को भी इतनी पनिशमेंट ना मिले। और बाकी आपको अंदर बताते हैं। संदीप,